हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरी किचन में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पनीर की एक बहुत ही खास रेसिपी, शाही पनीर, बट विदाउट अनियन एंड विदाउट गार्लिक। अक्सर कुछ त्योहारों पर या फास्टिंग में हम लोग बिना अनियन और गार्लिक का खाना बनाना प्रेफर करते हैं, तो उसी के लिए आज मैं ये स्पेशल नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये चार लाल टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने कुछ रफली चॉप कर लिया है। हमें इनका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। चलिए इसको हम मिक्सचर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। मैंने टमाटरों को इस मिक्सचर जार में ट्रांसफर कर लिया है। चलिए अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करते हैं। दो साबुत लाल मिर्च, एक पीस अदरक, एक हरी मिर्च, एक तेजपात का पत्ता, चार पांच बादाम, चार से पांच काजू, दो तीन हरी इलायची, दो लौंग, चार पांच साबुत काली मिर्च, लगभग एक चम्मच कोकोनट पाउडर। चलिए अब इन सब चीजों का हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, टमाटर का हमने ये एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। चलिए अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक नॉनस्टिक पैन लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये लगभग दो चम्मच घी। घी गरम हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ा सा जीरा, लगभग दो चुटकी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी ये लाल मिर्च पाउडर। हमारा तड़का जल ना जाए इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, लगभग एक चम्मच। अब मैं इसमें ये अपना टमाटर का प्यूरी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे एक बार चला देंगे और अब लिड लगाकर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। लगभग एक मिनट हो गया है। चलिए अब अपना लिड हटाकर अपनी ग्रेवी को एक बार चला लेते हैं। अब हम इसे ऐसे ही कुछ एक मिनट और पकने देंगे। लगभग एक मिनट हो गया है। अब हम इसमें अपने कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी। हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम अपने मसालों को इस ग्रेवी में थोड़ी देर पकने देंगे। कुछ एक मिनट हो गया है। हमारी ग्रेवी में अब हल्का हल्का सा ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये लगभग एक बोल दूध। दूध ऐड करते समय हमें इसे लगातार चलाना है, वरना दूध फट सकता है, और दूध थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ऐड करना है। अब हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। ग्रेवी में अब बॉईल आ गया है, अब हम इसे चलाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो चुटकी दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच चीनी। शाही पनीर की ग्रेवी हल्की मीठी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो ये एकदम ऑप्शनल है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये एक चम्मच क्रीम। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ये पनीर ऐड कर दूंगी। ये पनीर मैंने कुछ ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब थोड़ी देर इसे लिड लगाकर हम थोड़ी देर पकने देंगे। कुछ दो मिनट हो चुके हैं। चलिए अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारी ग्रेवी भी अच्छी थिक हो चुकी है। अब ये एकदम रेडी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी ये नो अनियन नो गार्लिक शाही पनीर। इसे आज ही ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।